हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सीरीज थी उसमें एक नए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी G7 के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने हमारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे चैनल लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं G7 के बारे में। G7 को ग्रुप ऑफ 7 के नाम से भी जानते हैं। G7 में विश्व की 7 जो सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उसके समूह को G7 का नाम देते हैं। G7 में जो 7 प्रमुख देश हैं उन देशों में कनाडा, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन तथा USA। इन 7 देशों में कनाडा, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और USA शामिल हैं। ये 7 देश अपने आप को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज भी बोलते हैं। कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का पालन करने वाला देश, यानी मूल्यों का पालन करने वाला देश। फ्रेंड्स, इन 7 देशों की जो G7 की स्थापना हुई थी वह सन 1975 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि इन 7 देशों की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उसको एक मंच पे बात करने के लिए इन G7 ग्रुप्स की स्थापना की गई थी। G7 का एक ऑब्जेक्टिव भी है, जिन ऑब्जेक्टिव्स में पहला ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन राइट सेफ्टी, यानी G7 के ऑब्जेक्टिव्स में है ह्यूमन राइट्स की सेफ्टी, डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना, दूसरा है रूल ऑफ लॉ को बनाए रखना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें कंटिन्यू प्रोग्रेस करना। तो ये G7 के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ह्यूमन राइट्स का को प्रोटेक्ट करना, डेमोक्रेसी को मेंटेन करना, रूल ऑफ लॉ को बनाए रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस रखना। हम लोग देख लेते हैं G7 के कुछ स्मॉल हिस्ट्री के बारे में। फ्रेंड्स, जब G7 की स्थापना 1975 में हुई थी तो उस समय G7 में केवल छह देश थे, लेकिन 1976 में कनाडा इस ग्रुप का 7th मेंबर बना था। उसके बाद 1977 में यूरोपीय यूनियन भी इस G7 का हिस्सा बन गया था। तब यह G8 बन गया था। G7 सदस्यों में G7 के सभी सदस्य यूरोपीय कमीशन के सदस्य, यूरोपियन काउंसिल के सदस्य, यूरोपियन काउंसिल के सदस्य और कुछ अन्य विश्व की महत्वपूर्ण संस्थाएं तथा देशों को भी आमंत्रित इसमें किया जाता है। वैसे G7 की जो बैठक होती है वो प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक की जाती है
और प्रत्येक वर्ष एक नया अध्यक्ष चुना जाता है, एक न्यू अध्यक्ष चुना जाता है, और हर वर्ष नए अध्यक्ष जो होता है वो नए देश का होता है, यानी इसको इसमें चेयरमैन को चुने जाने के लिए रोटेशन पैटर्न फॉलो किया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष नए देश का अध्यक्ष बनाया जाता है। हम लोग देख लेते हैं कि इस G7 के ग्रुप में चीन शामिल क्यों नहीं है। चीन जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चीन, उसके बाद भी यह G7 ग्रुप का मेंबर नहीं है, जबकि चीन G20 का मेंबर है। तो G7 में शामिल न होने का एक महत्वपूर्ण कारण है इसकी पॉपुलेशन। चीन की पॉपुलेशन बहुत अधिक है, जिसके कारण यहाँ पर कैपिटा जो इनकम है वो इन सात विकसित देशों से काफ़ी कम है इसलिए चीन को विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। चीन की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है, इसलिए चीन इस G7 ग्रुप का मेंबर नहीं है। वैसे सन 1998 में रूस भी G7 का मेंबर था, तब यह G8 कहलाता था। रूस जब 1998 में G7 का मेंबर था तो यह G8 कहलाता था, लेकिन बाद में 2014 में रूस को अलग कर दिया गया और तब से पुनः यह G7 बन गया। अब देख लेते हैं कि G7 के रेस्पेक्ट में भारत का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। हाल ही में जो 46th G7 की बैठक होने वाली थी, उसको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दिया, यानी अस्थगित कर दिया, जो कि इस वर्ष के जून महीने में होने वाली थी। G7 को स्थगित करने का जो प्रेसिडेंट का रीज़न था, उन्होंने दिया कि G7 का जो स्ट्रक्चर है, यानी जो संरचना है वह वर्तमान दृष्टि के जितने भी नीड और इम्पोर्टेंस हैं, यानी नीड और जो इम्पोर्टेंस है उसको फुलफिल करने में कैपेबल नहीं है। जो G7 का स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट सिचुएशन में जो ग्लोबल नीड है और जो इम्पोर्टेंस है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए उन्होंने G7 का जो स्कोप था और जो मेंबरशिप थी उसको बढ़ाने के लिए बोला, यानी G7 में जो 7 मेंबर्स है 7 मेंबर्स को बढ़ाने के लिए बोला, यानी 7-11 या कुछ ज़्यादा करने के लिए बोला, जिससे विश्व के जो विकासशील और मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा सके। तो इस वजह से जो है कि G7 की जो 46th बैठक थी वो कैंसिल कर दी गई। हम लोग देख लेते हैं कि भारत के संबंध में इसका G7 का इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो G7 जैसा कि पहले ही पता है कि जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक समूह है। तो वर्तमान परिदृश्य में देखें तो विश्व में बहुत सारी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो
G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लगभग बराबर स्थिति में है। इसलिए भारत जैसे विकासशील देश जो कि विश्व की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के आया है, उसको शामिल होने का एक अवसर मिला है। यानी भारत G7 में शामिल होने के लिए एक अच्छा अवसर है, यानी भारत इसमें शामिल हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है G7 की जो अर्थव्यवस्था थी उनकी विश्व अर्थव्यवस्था में यानी ग्लोबल जीडीपी में जो G7 के मेंबर्स थे उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। यानी कंट्रीब्यूशन या जो वर्ल्ड इकोनॉमी का जो शेयर था वो कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। इसलिए विश्व के जो और उभरते बड़े अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको शामिल करने की बात होती है, जिसमें भारत भी एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं एक और महत्वपूर्ण कारण, 45th बैठक जो कि फ्रांस में आयोजित की गई थी, उसमें भारत को आमंत्रित किया गया था। अतः स्पष्ट है कि भारत को भी G7 का जो मेंबर है वो बनना चाहिए। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी भारत को G7 की तरफ से आमंत्रण मिल चुका है, यानी वो G7 की औपचारिक बैठक में शामिल हो चुके हैं। इस दृष्टि से भी G7 में भारत के शामिल होने की संभावनाएं बनती हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण है भारत जो विश्व के वैश्विक संस्थान है उसमें सुधार और अपग्रेडेशन यानी प्रोग्रेस का पक्षधर रहा है। तो G7 लगभग 45 साल पुरानी संस्था हो चुकी है, इसलिए भारत की दृष्टि में G7 का जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव की आवश्यकता है। तो यदि G7 के उस स्ट्रक्चर में बदलाव आता है तो भारत के लिए एक अच्छा अवसर होगा G7 ग्रुप का मेंबर बनने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। अपने प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जुड़िए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।